सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइन विद रज़ा सैफ़ी। मैं हूँ रिदा सैफ़ी। आज का दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो कि डेडलॉक बरकरार था और हुकूमत और अपोजिशन के ख़िलाफ़, वो अभी भी बरकरार ही नज़र आता है। जहाँ तक मौलाना फजल रहमान साहब की बात करें तो इस्तीफे से मुतालिक डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आगे का लायअमल क्या है इस पर अभी भी इत्तेफाक होता हुआ नज़र नहीं आता। ओपोजिशन जमातों की अगर बात करें मज़ीद, यानी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की, तो कहीं कहीं सुस्त रवि का शिकार नज़र आती हैं। क्यों सुस्त हो गई हैं, क्यों जो है वो उनके जो एक स्टांस था उसमें थोड़ी सी नरमी नज़र आ रही है, ये भी सवाल उठ रहे हैं। दूसरी जानब आज हमने देखा कि मरियम नवाज साहिबा की जो है वो ज़मानत भी हो गई है, लेकिन ज़मानत के साथ साथ एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि पासपोर्ट उनका अदालत ने रख लिया है। जो लोग ये कहते हुए नज़र आते थे हुकूमत में से कि जी कोई डील या ढील दी जा रही है, तो उसको इस स्टैंड और इस एक्शन के बाद नज़र आता है कि जी वो तासुर भी कहीं जायल होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर कहीं डील या ढील होती तो फिर उनका पासपोर्ट जो है अदालत क्यों रखती है अपने पास, सवाल ये भी उड़ गए हैं। तो देखना यह है कि आया आगे आने वाले दिनों में मज़ीद कुछ तब्दीली आती है या फिर इसी स्टांस पर मज़ीद चीज़ें चलती रहेंगी। इसी हवाले से जी बात भी करेंगे, और साथ ही साथ जी पीपल्स पार्टी और नून लीग अब क्या फैसला करने जा रही है, और क्या धरने से दूर रहने का फैसला उनका सही है या नहीं है, और अगर दूरी उनकी बनती है धरने से तो मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, ये बहुत ज़रूरी है। बहरहाल जी अपने मौजूद मेहमानों का भी तारुफ कराएंगे और गुफ्तगू भी करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वीर जी कोहली हैं, मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनको खुश आमदीद कहती हूँ स्टूडियो में। थैंक यू सो वेरी मच वीर जी कोहली साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। और साथ ही साथ यासीन आज़ाद साहब बैठे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, उनको भी खुश आमदीद कहूँगी। थैंक यू सो वेरी मच यासीन आज़ाद साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि वीर जी कोहली साहब आपकी जानब आऊँगी, पीपल्स पार्टी और नून लीग का धरना जो है वो सियासत से दूर रहने का फैसला नज़र आ रहा है है, और क्यों ऐसा होने जा रहा है थोड़ा सा ये भी बता दें। सियासत से दूर आपने कहा? धरना सियासत से दूर, धरना सियासत। देखो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैं कई दफा बोल चुके हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को समझने के लिए आपकी पूरी उनकी स्ट्रगल, उनकी पूरी सियासत पाकिस्तान उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इश्यूज़ पे सियासत करने वाली पार्टी नहीं है। वो धरनों की सियासी, वो एक पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी है, और सीनियर ज़ाहिर है पूरा एक्सपीरियंस रखती है, तो वो ज़ाहिर है वो हर दौर से लड़ी है, और उसका आप रिकॉर्ड देखें वो बहुत खौफनाक, ये तो आज कुछ भी नहीं है, इनके इनसे बहुत खौफनाक दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लड़ी है और उनका मुकाबला किया, MRD ARD बड़े उसके पूरी हिस्ट्री है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि धरनों की सियासत इसलिए पीपल्स पार्टी नहीं करती कि धरने का जो है ना वो नतीजा या फिर उसका अफेक्ट पूरी सोसाइटी में पड़ता है जिस तरह, लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, JUIF हो या बाकी जितने भी 8-10 पार्टियां हैं, एक बात पे मुत्तफिक हैं कि जो हाल एक साल के अंदर PTI और मौजूदा गवर्नमेंट ने किया है, इसको मजीद और टाइम नहीं दे सकते। उसके लिए क्या करेंगे वो हर पार्टी अपना अपना लायअमल जोड़े, क्योंकि हर पार्टी की अपनी एजेंडा होती है, अपनी सियासत होती है, तो अपने अपने तरीके से सब लोग कर रहे हैं। हम एक इंच उसके पीछे नहीं हटेंगे, और ये तो बहुत क्लियर कह दिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। क्यों तो फिर आज APC में शरीक क्यों नहीं हुए? देखो इस वक्त हमारे जो चेयरमैन साहब हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो जनूबी पंजाब के दौरे पे हैं, और आज बहुत बड़ा मतलब मजमा था जलसा और APC जनूबी पंजाब के दौरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया वो? नहीं देखो बात यह है कि हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी होती है। हमारे सीनियर रहनुमा वहाँ पर, हमारे जनरल सेक्रेटरी, हमारे पंजाब के सदर, पंजाब के जनरल सेक्रेटरी और मरकज़ के जनरल सेक्रेटरी, वो उस APC में शामिल हुए हैं, और जो बात जो पार्टी का मौक़ था वो उन्होंने पेश किया है, हमारे सीनियर रहनुमा वो पेश हुए हैं। लेकिन यह है कि पूरी पार्टी अपने अपने तरीके से काम कर रही है और अपने तरीके से अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से पॉलिटिक्स करती है, तो ये ऐसा नहीं है कि हम कोई पीछे हटे हैं या कोई कंप्रोमाइज़। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत क्लियर कह दिया कि हमारा जो असूली मौकफ़ है
जो हमारा हमारी एजेंडा है उससे हम एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे आप हमारे पूरे खानदान को जेल में डाल दें, आप मेरी पूरी पार्टी को जेल में डाल दें, उससे पीछे हटने वाले नहीं, पीछे हटने वाले नहीं है आप कह रहे हैं, लेकिन एपीसी से पीछे हट गए हैं। शहबाज शरीफ साहब भी आज जो है शामिल नहीं हुए, क्या वजह है यासीन आजाद साहब? देखिए मैं तो बिल्कुल क्लियर बात करूँगा, पार्टी का जरूरी नहीं कि मैं हर चीज़ को डिफेंड करूँ। मेरा तो कहना यह है कि मौलाना ने इस वक्त जो स्टेप उठाया है वो एक सिविल बालादस्ती की तरफ मौलाना ने कौम को ले जाने की कोशिश की है। ठीक है, सिविल बालादस्ती से मराद मैं ये लेता हूँ कि पाकिस्तान के आवाम की मर्ज़ी के मुताबिक हुकूमत। मेरे ख़्याल में इस मौके से दो बड़ी सियासी जमातें जो पीपल पार्टी और नून जिससे मेरा ताल्लुक है, दोनों को भरपूर अंदाज से साथ देना चाहिए मौलाना का, मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। लामला आज जो APC हुई है उसमें मुस्लिम लीग नून की भी टॉप मोस्ट क्यादत वहाँ शामिल थी, PP की भी थी, लेकिन ऐसे वक्त में अगर शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब खुद मौजूद होते तो ज़्यादा मुनासिब था मेरे नज़दीक, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। मैं इसलिए कहता हूँ कि ज़्यादा इसलिए इम्पॉर्टेंट था कि ताकि कल कोई ये ना हो कि पार्टी के जो दूसरे लोग बात करके चले जाएं और पार्टी के दूसरे जो लीडर हैं वो कल कहें कि जी हमने ये नहीं किया, हमने ये करना है। अब आज का जो मौका दोनों पॉलिटिकल पार्टी, आपकी बात यहाँ कट करूँगी यासीन आजाद साहब, आप कह रहे हैं कि सिविल बालादस्ती की तरफ जा रहे हैं, लेकिन तासुर तो ये दिया जा रहा है कि मौलाना साहब का जो धरना है वो तो सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहा है। हुकूमत तो बार बार कह रही है कि जी हम कोई एजुकेशन की सियासत चाहते नहीं है, इदारे भी कह रहे हैं कि एजुकेशन की सियासत नहीं चाहते कोई भी, और किसी को भी जो है वो अपने राइट जो है किसी तरह से गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करने नहीं देंगे। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सिविल बालादस्ती की तरफ जा रहे हैं, और अगर ऐसा ही है तो आपकी अपनी क़यादत क्यों पीछे हट गई है, खासतौर पर इस मौके पर जब इमरान खान के इस्तीफे के हवाले से जो डेडलॉक खत्म हो गया है और इस वक्त तो नए जो है वो स्टेप्स लेने की बारी थी, अपोजिशन को नया स्टांस लेने की बारी थी। देखिए मैं आपके यही बात कर रहा हूँ कि सिविल नाफरमानी का जो जुमला मैंने इस्तेमाल किया, जो मौजूदा, मैं तो सिविल बालादस्ती की बात कर रहा हूँ, जहाँ तक मौजूदा हुकूमत का ये कहना कि ये जो आज़ादी मार्च है ये गलत है, इससे कुछ हो जाएगा, इस हुकूमत को तो ये कहने का कोई हक नहीं पहुँचता क्योंकि माजी में इससे बढ़कर उन्होंने तमाम मामला किए हैं। मैंने जो सिविल बालादस्ती की बात की है, मैंने शुरू से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है, जिस तरह क्या आज के आपके लास्ट पे देखा कि पाक फौज आयन और कानून के मुताबिक अपने फ्राइज अंजाम देती रहेगी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मैं तो ये कहता हूँ कि फौज पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है वो एग्जेक्टिव का एक हिस्सा हैं, एग्जेक्टिव के ताबिया हैं, और वो जो हमारा इंस्टीट्यूशन है उसकी अपनी एक हैसियत है, लेकिन आइनी तौर पर वो हैसियत जो पार्लियामेंट की है या अदलिया की है या मकरना की है वो फौज की हैसियत नहीं है। फौज एग्जेक्टिव के ताबे है, वक्तन फ़क्तन फेडरल गवर्नमेंट अगर मुनासिब समझती है तो किसी मामले में उनको कॉल कर सकती है, लेकिन मौलाना का जो आज़ादी का जो मार्च है, मैं उसके लिए पाकिस्तान की दोनों जमातों के मतलब मैं ये कहता हूँ कि हमारी दोनों सियासी जमातों को मौलाना का भरपूर अंदाज में साथ देना चाहिए। ठीक है, क्या ठीक, साथ ठीक, देना ठीक, चाहिए। यही से कंटिन्यू करूंगी यासीन आजाद साहब, आप कह रहे हैं कि साथ देना चाहिए, और आप कह रहे हैं क्या आपकी जो अपर लीडरशिप है क्या वो भी इस बात से मुत्तफिक है, क्या शहबाज शरीफ खासतौर पर मुत्तफिक है? ये शायद नैरेटिव जो आपका नैरेटिव है शायद वो मियां नवाज शरीफ साहब का तो हो सकता है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब वाली पार्टी का तो नजर नहीं आता है। दूसरी जानब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मरियम नवाज साहिबा की आज जो बेल हुई है, तो आगे आने वाले धरने के दिनों के दौरान उनका क्या स्टांस हो सकता है, क्या पोलिटिकली वो अपना पार्ट प्ले कर सकती है, ये भी बहुत अहम सवाल है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, और जी इस वक्त हमें एक और हमारे पैनल में मेहमान ने ज्वाइन कर लिया है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से हैं, MP हैं मोहम्मद शबीर साहब, उनको भी खुश आमदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच मोहम्मद शबीर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस, बट यू लिटिल बिट लेट, बट एनीवेज, खैर मैं बात कर रही थी धरने के हवाले से, जी गुफ्तगू हो रही थी यासीन आजाद साहब से, एंड जी वीर जी कोहली साहब ऑलरेडी मौजूद थे हमारे साथ। मोहम्मद शबीर साहब आपकी जानिब आऊँगी, आप लोगों ने 126 दिन का धरना किया,
JUIF के धरने की बात कर लें, मौलाना फजल रहमान के 9 दिन ही हुए, 9 दिन में जो है वो हुकूमत बड़ी परेशान नज़र आती है। वज़ीर आज़म साहब के जो बयानात हैं वो कुछ और नज़र आते हैं, जब काबीना की मीटिंग हो रही है तो उसमें मुख्तलिफ वज़रा के बयानात कुछ और नज़र आ रहे हैं, बाकी अलग अलग MPAs अपने MNAs जो हैं वो कुछ और मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं। आखिरकार वाकई ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे इमरान खान साहब, या फिर उनको इस बात का एहसास हो चुका है कि 126 दिन का धरना था वो गलत था क्योंकि 9 दिन का धरना भारी पड़ रहा है? देखिए, आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो PTI इसके किसी धरने से ना खौफजदा है ना वो है, ये खुद ये पहली दफ़ा एक ऐसा धरना हो रहा है जिससे धरने वालों को खुद को नहीं मालूम कि उनका एजेंडा क्या है। अच्छा। उनको आज तक अभी जो उनके इतिहादी हैं उनको नहीं मालूम कि एजेंडा क्यों हो रहा है, और ना उनको ये मालूम हुआ एजेंडा क्यों हो रहा है, ना इनका कोई विज़न है, ना कोई इनकी वो है कि लाइन ऑफ एक्शन है। ये सब आ गए, निकल गए, किसके कहने पर निकले ये इनको खुद को शायद नहीं मालूम है। अच्छा। ये आ गए, अब तो ये मौलाना साहब अब क्या कर रहे हैं, तो वो तो मुल्क दुश्मनी भी चले गए कि मुल्क वो इस हद तक आगे बढ़ गए, इतना कन्फ्यूज़ हो गए कि उनको बोलना क्या होता बोल क्या देते। अब डेड लाइन उन्होंने दी, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ना, 2 दिन बाद ये हो जाएगा, उनको खुद को नहीं मालूम। माशाल्लाह वो इतने पुराने पॉलिटिशियन हैं और अपने वालिद साहब के बड़े नामी गिरामी थे, वो तो अपने नामी अपने वालिद साहब का भी शायद वो नाम ख़राब कर रहे हैं कि जो उनका वतीरा है और जो तरीक़ेकार है कि पब्लिक देख के वो भूल गए। मैं तो उनको बड़ा अच्छा एक सियासतदान समझता था, मैं समझता था कि मौलाना साहब एक पुराने मंजे खिलाड़ी हैं, लेकिन मंजे खिलाड़ी का आलम यह कि उन्होंने पब्लिक क्राउड देखा और ऑल का ऑल फॉल भग गए कि इदारों को भी इन्होंने कर दिया। आप इदारे कौन, अब किसकी माँ बाप कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा इनकी जो लोग माजी में ब्लेम गेम नहीं करते हैं इदारों पे। इनके इनके तो इदारे इनके जो चेयरमैन साहब वजीर आजम साहब नहीं करते हैं, इनके जो धरने से अगर आप देखें इंडिया में जितनी खुशी मनाई जा रही है शायद कहीं नहीं मनाई जा रही। वो आज जो कश्मीर का मसला है, ये कश्मीर के मसले को बाला तक रख कर आज इनको जी 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 आप बोलिए। ये सालों मौलाना साहब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बनकर बराजमान रहे, जब तक उन्होंने कभी कश्मीर के हवाले से कोई बात नहीं की। अच्छा, अभी मैं तो समझता हूँ कि कोई आज़ादी मार्च का कोई वो नहीं, स्लोगन नहीं है कि एक जाने कश्मीर की बात भी कर रहे होते हैं, खत्म रसूल की बात भी कर रहे होते हैं, जमहूरियत की बात भी कर रहे होते हैं। मौलाना साहब आप अभी लेकिन कह रहे थे कि उनका कोई विजन नहीं है, अब आप खुद ही 3 पॉइंट्स बता रहे हैं, मतलब वो इधर कर रहे हैं ना, विजन का मतलब कि आदमी ये भी बात कर रहे हैं वही बात कर रहे हैं। अच्छा, ना कश्मीर में उनकी कोई एक चीज का विजन होता है कि आप करने क्या जा रहे हैं, आप किस मसले पर दे रहे, कोई विजन नहीं ना कश्मीर के मसले पर। तो अब आप जो है सालों कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बने रहे, आपने आज तक कुछ भी नहीं किया, आज तक कश्मीर कमेटी के हवाले से आपने सिर्फ, हाँ शायद आपको जो 22 नंबर बंगला है और कश्मीर कमेटी का दर्द शायद लग रहा है, और मैं तो बोलूँगा मौलाना साहब आपको जो दर्द हो रहा है 22 नंबर के बंगले का और कश्मीर कमेटी का, आप पूरी कौम को इम्तहान में ना डालें। दुनिया जानती है खत्म रसूल क्या है, दुनिया जानती है खान साहब ने इंटरनेशनल फोरम पर जो आप कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ इंशाल्लाह। देखिए पहले धरने में हमें कितनी अपोजिशन का हमें मजम्मत थी, मजम्मत की हमने, हर जगह उनको सेफ दे दिए, कोई मजम्मत नहीं हो रही, हर जगह उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है, हर जगह कंटेनर सारे लग गए, कंटेनर जहाँ लगने थे लगाए, वो तो पहले थे ना, वो तो कमेटी तय करके बैठी हुई इनके साथ। हमने बाकायदा पहले जब हमारा धरना था हमारी कोई हमें उन्होंने हमें कोई वो फैसिलिटी दी है, हम हर फैसिलिटी दे रहे हैं। विमान का खान साहब ने यहाँ तक कहा कौन कौन सी फैसिलिटीज दे रहे हैं, खाने के पैसे खत्म हो जाएंगे तो इंशाल्लाह खाने भी हम उनको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा वीर जी कोहली साहब, आप लोग को फैसिलिटीज मिली वहाँ खाने की? अभी तो वो खुद कर रहे हैं ना, जब खत्म हो जाएगी हमने तो कहा है ना। अच्छा। आप करें जितना कर सकते हैं। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि धरना प्रोलॉन्ग हो, आप ये चाह रहे हैं, हुकूमत चाहती है कि धरना प्रोलॉन्ग हो, ठीक है जी। मसला ये है कि देखो, मैंने शुरू में बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरह की पॉलिटिक्स ने कभी उन्होंने नहीं की, और सिर्फ ये नहीं, आप पीपल्स पार्टी की तारीख देखें, हमारे जो कायद थे जुल्फ़कार अली भुट्टो, शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो, उनको जिस तरह इदारों के थ्रू उनको शहीद किया गया, इदारों के थ्रू आज पूरी दुनिया मानती है और खुद इदारे मान चुके हैं। उसके बाद शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जिस तरह शहीद किया गया, या जिस तरह फिर उनके बाद जो साजिशें हुई, या जिस तरह हमारे लीडरान के खिलाफ केसेस बनाए गए, हमने कभी इदारों को, हाँ इदारों के गलत अमल को हमने ज़रूर कहा है, लेकिन इदारों को हम उस वक्त भी इदारों को टकराव में इदारों के साथ नहीं आए, नहीं हमारे इदारे हमारे हैं, हमारे इदारे हैं, उन पर हमने उस तरह हूटिंग नहीं की। लेकिन मुझे ये बताएं जिस तरह नहीं, पूरी पूरी बात सुने ना,
तो मुझे फिर आप लोग खड़े क्यों हो गए उनके सपोर्ट में? बात तो सुने पे? ना मेरी, हाँ। मेरी पूरी बात सुनना, हाँ। फिर आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या, हाँ। बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब 126 दिन पीटीआई ने धरना दिया, तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के किसी इदारों की तरफ से, किसी सियासी उस वक्त की गवर्नमेंट की तरफ से पीटीआई को या उनके बंदों के खिलाफ कोई किसी भी किस्म का कोई इंतकामी कार्रवाई हो या कोई तकलीफ हुई हो, उसके बावजूद इन्होंने जब 126 दिन का धरना दिया उसमें पीटीवी पे अटैक हुआ, उसमें पुलिस वालों पे अटैक हुआ, उसमें पार्लियामेंट को जो है वो गाली दी गई, उसमें जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस पे अटैक हुआ, उसमें सिविल नाफरमानी का किया गया, उसमें जो है टैक्स ना देने की बात हुई, उसमें बिल जलाने की बात हुई, इस ये सारे वो थे जो 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 इनके हिसाब से कानूनी काम थे और आयन के ऐन मुताबिक थे। इसमें से हम धरने में साथ नहीं है, क्योंकि हम उनके एजेंडा, ये जो पहले एजेंडा थी जो मौलाना साहब की कि भाई ये जो धरना, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये धांधली की बुनियाद पे आई है, तो इसको हम तस्लीम नहीं करते। हम उनके साथ थे, आज भी उनके साथ हैं, लेकिन एपीसी में नहीं जाएंगे खड़े होने के लिए जब जाना है। हम गए हैं एपीसी से बात, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बात अभी अभी जो जो 126 दिन में हरकतें हुई, जो कानून को तोड़ा गया, आयन को तोड़ा गया, मुझे बात बताए ना, मुझे एक बात बताएं कि उनमें से अभी मौलाना ने किया कुछ भी नहीं है, हाँ। लेकिन उसके बावजूद इनको जो तकलीफ हो रही है और जो इनको परेशानी हो रही है वो बात समझ से बाहर है। और जो आज ये कहते हैं, किस मुंह से कहते हैं कि इंडिया तो उस वक्त हेडलाइन छाप रहा था और दिन में 50 दफा दिखा रहा था जब हमारे वजीर आजम ने इंटरनेशनल फोरम पे जाके कहा था कि जब पाकिस्तान में जो कुछ दहशतगर्दी हो रही है वो ISI और आर्मी ने किया था। उस वक्त उन्होंने, आपको नहीं पता कि ठीक है, उस वक्त सारा दिन हेडिंग जो चल रही थी, मुझे ये बताएं कि इस आज से पहले जो वजीर आजम इमरान खान जो वजीर आजम है मुल्क के और इंटरनेशनल फोरम पे जाके जो बात मान कर आए हैं वो पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में किसी ना इदारे ने मानी है ना अपना क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मानी है, लेकिन उन्होंने दो दिन में इंटरनेशनल फोरम पे पूरी दुनिया को बता के आ गए कि दहशतगर्दी सारे हम पैदा किए और हमारे इदारों की पैदावार है। अच्छा ठीक है, आपकी जानब आऊंगी यासीन आजाद साहब, आप बताएं कि सिविल डिसोबीडियंस भी हुई और इदारों को लानदान भी की और बहुत सारे इश्यूज थे XYZ जो भी इन्होंने बताया, खैर दैट्स एन ओल्ड थिंग, वो हम सब जानते हैं। तो आपकी हुकूमत थी उस वक्त, तो आप लोगों ने तब भी जो है कोई PTI के खिलाफ जो है कोई एक्शन ही नहीं लिया, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, कोई कानूनी कार्रवाई के लिए आप लोग नहीं गए? देखिए पहली बात यह है कि पीसफुल प्रोटेस्ट करने का राइट आइन देता है पाकिस्तान के लोगों को। इसी तरह मौलाना ने भी जो आज़ादी मार्च किया वो आइन के मुताबिक है, जमहूरी अमल के मुताबिक है। ठीक है, अब सिर्फ जो धरने का है कंपैरिजन करें अगर तहरीक-ए-इंसाफ से और मौलाना के धरने में तो बड़ा फ़र्क है। अच्छा, इसलिए फ़र्क है कि इनके PTI के धरने में ख़वातीन की एक भरमार थी, मौलाना के धरने में कोई खातून मौजूद नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, मौलाना के धरने में ज़्यादा उलमाए कराम हैं, मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, डिफरेंट इलाके से आए हैं, और PTI का जो हम क्रेडिट देते हैं कि एक दिन 124 दिन धरना दिया और बड़ा कामयाब धरना था, PTI धरना देने की पोजीशन में नहीं थी अगर ताहिरुल कादरी उनका साथ नहीं देते। आज मदरसों की बात करते हैं कि मदरसों के बच्चे, तो मौलाना अगर ताहिरुल कादरी के जो बच्चे लोग आके बैठे हैं, अगर ताहिरुल कादरी PTI का साथ ना देते तो PTI के पास चार आदमी भी नहीं थे जो धरने के लिए वहाँ बैठते, जो इनकी सूरत-ए-हाल थी। तो मौलाना को यूज़ किया गया एज ए टिश्यू पेपर, आज वही मौलाना जो है बिल्कुल गायब है, पता नहीं कौन सी दुनिया में चला गया, सियासत से दस्तबरदार हो गया। अब जो मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि मौलाना के जो ये 8-9 दिन जो हो गए हैं, मैंने मौलाना की एक एक तकरीर को सुना, जिस बैलेंस तरीके से कर रात को उन्होंने तकरीर की है या जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने जिस खूबसूरती से दिया, बल्कि किसी ने कोई गलत नारा लगाने की कोशिश की तो मौलाना ने अपने लोगों को रोका कि हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई गलत नारा नहीं लगाएंगे। अच्छा, जबकि PTI के धरने में यह था कि हुकूमत के कपड़े उतारने में कोई किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। तो अब जो ये सूरत हाल है, मौलाना का एक लीगल स्टेप है, उसका राइट है। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारी दो बड़ी सियासी जमातें हैं, उनको उनका साथ देना चाहिए मौलाना का, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन ये आपका ही पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, आप तो ये नवाज शरीफ साहब वाला पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहे हैं ना। आप ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब खुद नहीं मान रहे अपने भाई की बात? देखें देखें आज का दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने एक बात किया, आज के आप खबर देख लें,
انہوں نے کہا کہ ہم مولانا کے اس دھرنے یعنی مومنٹ کو حمایت کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں, لیکن دھرنے میں ہم پارٹی نہیں بننے چاہتے ہیں, یہاں آگے ڈسپیوٹ ہوتا ہے, باقی کسی معاملے پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. صرف دھرنے کے سلسلے میں دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز کہتی ہیں کہ ہم دھرنے کا حصہ نہیں بننے چاہتے. ابھی تو یہ بات ہو رہی تھی کل تک کہ جی استعفے کی دینے کی بات کر رہے ہیں پارلیمنٹ سے اور سارے مجموعی طور پہ جو ہے وہ استعفے دے دیں گے, ابھی تک تو یہاں تک بات آ گئی تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کلیم کر رہے تھے اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دھرنے میں بھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے. نہیں نہیں, یہ میں نے نہیں کہا کہ دھرنے میں ساتھ نہیں دے رہے ہیں. آج کا جو اے پی سی کے اندر فیصلہ ہوا ہے, دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز مولانا کے ساتھ کھڑے ہیں. کھڑے ہیں نا, لیکن وہ صرف اخلاقی طور پہ کھڑے ہیں. اخلاقی طور پر نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اگر شٹر ڈاؤن کی کال دیں گے پورے پاکستان میں تو ہم مولانا کے ساتھ ہیں. آپ کوئی آپ مزید لیگل سٹیپ لیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. صرف دھرنے کے متعلق کنسنسس نہیں ہے, باقی تمام ایشوز پہ کنسنسس ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے. اس میں خالی پاکستان پیپل پارٹی یا مسلم لیگ نون شامل نہیں ہے. اس میں اسفندر یار خان ولی خان خان کی بھی جماعت شامل ہے, محمود خان اعتقزئی کی بھی اس کے اندر شامل ہے. سمپل کویشچن یہ ہے کہ ہمارے دوست نے ابھی چھوٹے بھائی نے یہ بات کہی کہ ان کا کوئی ویژن نہیں ہے. میں تو انتہائی معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہمارا پرائم منسٹر 22 سال سے سیاست کرتا رہا, پرائم منسٹر بننے کے بعد بھی ان کا کوئی ویژن نظر نہیں آیا. آج بھی چند جو جملے جو ہے نا, میں این آر او نہیں دوں گا, میں کرپشن میں یہ کر دوں گا, سوائے اس کے اس بندے کے پاس کوئی مواد نہیں بولنے کا. ٹھیک ہے محمد شبیر صاحب, آپ کی جانب آؤں گی. آج وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں ریاست کو کسی طور پہ کمزور نہیں ہونے دیں گے, آج آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے حکومت کی رٹ برقرار کریں گے. تو اس وقت جب آپ کر رہے تھے 126 دن کا دھرنا, جب حکومت جب مسلم لیگ نون کی تھی وہ بھی یہی باتیں کرتے تھے, تو اس وقت آپ کو بہت بری لگتی تھی. پہلے تو میں اپنے بڑے بھائی ہیں میرے آزاد بھائی, انہوں نے ایک بڑا جملہ کہا کہ جناب وہ پی ٹی آئی کے دھرنے میں یہ فرق ہے کہ اس میں خواتین تھی اس میں خواتین نہیں. تو شاید یہ مجھے لگتا ہے نون لیگ جو ہے مولانا کے نظریہ سے متفق ہو گئی ہے اور خواتین کو وہ بھی حق چھیننا چاہ رہے ہیں. شاید نون لیگ نے بھی یہ طے کر لیا کہ اس ملک میں جو ہے خواتین کو سیاست نہیں کرنی چاہیے, تو وہ شاید یہ شروع ہو گئے. اچھا علماء کرام تو خود جو ہے وہ ان کے مخالفت پہ ہیں, بہت سے علماء کرام مولانا طارق جمیل ہیں یا بہت سے علماء کرام ہیں, تو وہ تو خود ان کو لائک نہیں کر رہے. باقی ویژن کا مسئلہ یہ ہے کہ نا ہم نے جب 126 دن کا دھرنا دیا تو ہم نے 5 حلقے کا کھول دیں, ٹھیک نا. یہ اب دھاندلی کی پیداوار دھاندلی ہے, تو بھائی آپ بتائیں کلیم کریں نا, اب ادارے کھلے ہوئے الیکشن کمیشن آپ کے پاس. لیکن آپ نے 5 حلقے کھولنے کی جب بات کی, ابھی انہوں نے بات ایک بتائی, ابھی آپ بات کرتے ہیں دھاندلی کی. دھاندلی میڈم آپ سن لیں ذرا, دھاندلی کی دھاندلی, تو بھائی دھاندلی اگر روز آپ دھاندلی کلیم کر رہے ہیں نا, ادارے موجود ہیں. آپ کس ادارے کی بات کرتے ہیں؟ آپ ادارے سمجھ میں نہیں آ رہے کہ آپ ادارے کن اداروں کی بات کرتے ہیں. آپ تو ابھی میں پرسوں تو پیپلز پارٹی کے چودھری اعتراض نے بھی ان کے مخالفت کی نا کہ جناب یہ بغاوت پر آ گئے. آپ مجھے بتائیں پھر حکومت مذاکرات کس چیز کے کر رہی ہے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مطالبات ہی نہیں پسند ہیں. مطالبات تو آخری وقت تک ہوتا ہے کہ باقی بھی ہیں. اگر ہمیں تو پھر آپ مذاکرات لوگوں کا اپنے لوگوں کی زندگیاں جیتے ہیں, اپنا ملک کر جیتے ہیں, اپنی زمین کی ایک ایک اینچ کی حفاظت کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. ہم اس کے حوالے سے ہم چاہتے نہیں ہیں کہ انہوں نے جو ہمارے مدرسے کے بچوں کو لے کر آ گئے. مدرسے کے بچے کہاں ہیں اس میں؟ یہ تو میرے لیے بریکنگ نیوز ہے کہ مدرسے کے بچے ہیں وہاں پہ. مدرسے کے بچے ہیں کدھر؟ مجھے کوئی ایک بچہ بتائے وہاں پہ کہاں ہے. مدرسے کے بچے کو نہیں سمجھے, 5 سال کا یہ بڑے ہیں. آپ نے مدرسے آپ مجھے ایج ڈیفائن کر دیں بچے کی, کہ کیا ہوتی ہے بچے کی ایک ایج, آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں تو گئی ہوں, اسی لیے میں کہہ رہی ہوں, آپ مجھے بتا دیں. مدرسے کے چھوٹے بچے کلم نہیں, مدرسے پورے انسٹیٹیوٹ ہے, آپ جا کر تو دیکھیں مدرسے میں. آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ داڑھی مونچھوں والے بچے ہوں گے مدرسے کے؟ وہ طلبا کو استعمال کر رہے ہیں نا. مطلب بچے میں جب تک آدمی تعلیم حاصل مکمل تعلیم حاصل نہیں کر سکتا کر لیتا, وہ بچے ہی کہلاتا ہے. 25-30 سال کے آپ کو مدرسے کے بچے نظر بچے نظر آئیں گے نا, وہ جب تک اپنا پہلی بات نہیں. سوری اگر آپ اس کو میرے بھائی کو میں بتاؤں بچوں کا مطلب پاکستان کی جتنی اپوزیشن پارٹی ہیں, جتنی اپوزیشن جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی, نون لیگ, جے یو آئی, باقی 7-8-9 پارٹیاں ہیں, سب ایک بات پہ متفق ہیں. اور جو لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ پاکستان میں بستے ہیں, جو ہر شہر میں احتجاج اور یہ دھرنے ہو رہے ہیں, جلسے ہو رہے ہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارے پولیٹیکل پارٹی اپوزیشن ایک بات پہ متفق ہیں کہ جو 2018 کا الیکشن تھا وہ جعلی الیکشن تھا,
कोई मैंडेट नहीं था। बात सुने ना आप। और उसका एक केस, एक केस मैं आपको बताऊं, उसका एक केस सबूत आपको बताऊं, एक सबूत उसका है कि जो सिंध असेंबली का डिप्टी स्पीकर है, सीट आ गए ना आप, लाल गली की सीट आ रहे ना आप, अब अगर जाली थे ना तो समझ छोड़ आप सुने ना, आप भी तो जीते ना, आपको मैं बताता हूँ ना, पंजाब में हार गए, आपको मैं बताता हूँ ना, पीपल्स पार्टी खत्म हो गई है, आपका आलम ये है कि आप आपको बताऊं कि एक आपको दो दो हजार सूरी साहब के 50,000 वोट जाली निकले हैं कि नहीं निकले, आपके साथ तो एक बंदे के 50,000 वोट जाली निकले कि नहीं निकले, सिंध में आपको लोग नहीं मिलते, नेशनल असेंबली का डिप्टी स्पीकर, उसके 50,000 वोट जाली निकले कि नहीं निकले ये बताएं, सरदारी का जहाँ वोट रजिस्टर है उस सरदारी वहां से हार गए, अब चौदह अब्बासी ने आपको आपके गढ़ों से हरा दिया, मुझे ये बताएं जब हार गए, मुझे ये बताएं कि 50,000 जाली वोट निकले कि नहीं निकले, अच्छा मेरी मेरी रेल मार्च करते हैं, रेल मार्च करते हैं तो आपके टंडो वाला यार पर लोग खड़े होते मेरे हैं भाई, आप पैसे लेके ला रहे होते, आप इस वक्त गवर्नमेंट के, अच्छा एक सेकंड पैसे दे के, मैं सिर्फ एक बात बताऊं, मैं ये एक बात बताऊं, ओपन हो में मेरे भाई, आप कंटेनर से उतर आए, आप इस वक्त हुकूमत के साथ हैं, आप कंटेनर से नीचे आ जाए, मैं आपको बताऊं कि 50,000 एक हल्के में 50,000 जाली वोट निकले हैं कि नहीं निकले ये मुझे बताएं, अरे लाल सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बैठे हैं, फिर वही मोल हो रहा है जिस मोल को मैं कभी लाइक नहीं करता ना, उस मोल में मैं बातचीत करता हूँ। मैं शबीर की बात का जवाब देता हूँ, अच्छा सुने, मैं शबीर की बात का जवाब देता हूँ कि आप ही की पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंट की कमेटी बनाई कि वो इन्वेस्टिगेशन करेगी कि कहाँ कहाँ धांधली हुई या नहीं हुई, ये क्रेडिट जाता है अपोजिशन को कि बजाय वो मामला अदालत में ले जाने के, उन्होंने ये पार्लियामेंट की अफादियत को बढ़ाने के लिए, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए पार्लियामेंट की कमेटी बनाई, उस कमेटी का प्लेस कंप्लीट कर, आप गलत चला रहे हैं, मैं ना मोहम्मद शबीर कुरैशी, शबीर अहमद देंगे, अच्छा ठीक है, पार्लियामेंट की जो कमेटी है, आप ये बता दें कि 14-15 महीने के अंदर क्या उसका कोई इजलास हुआ, क्या उसके कोई जो रिक्वायरमेंट थी वो टर्म्स एंड कंडीशन आपने कोई तय किए, और मेरे भाई जितनी बातें करते हैं, फैसल वाडा जो है इनका मिनिस्टर, आज भी सऊदी लीजिंग कंपनी ने उसके खिलाफ 12 करोड़ का एक केस हाई कोर्ट में दाखिल किया है, जी बिल्कुल, और 12 करोड़ रुपया अगर वो बैंक का खा गया तो वह पाक साफ सुथरा है, दूसरा बैंकिंग कोर्ट में 9 करोड़ का केस अभी उसका 2019 में दाखिल हुआ सऊदी लीजिंग कंपनी का, ये बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं लेकिन अपनी गरेबान में कोई आदमी झांकने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, इसी बात से एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के सवाल छोड़ जाऊंगी कि मोहम्मद शबीर कुरैशी साहब कह रहे थे कि मदरसे के बच्चे, तो मुझे याद आ गया, हम क्लिप भी चला सकते हैं, जब पीटीआई का 126 का धरना, 26 दिन का धरना हुआ था तो उसमें कितनी छोटी छोटी बच्चियां, यंग बच्चियां और जो है ना स्टूडेंट्स थे जो के शामिल थे, ब्रेक के बाद आके बात करते हैं। वेलकम बैक जी, कहा जा रहा है कि जी अभी भी जो है वो पीटीआई यानी कि मोहम्मद शबीर कुरैशी साहब इस बात पे बस दे जाएं कि मदरसे के तलबा उसमें शामिल हैं, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि जब पीटीआई का धरना हुआ था और उसमें छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे स्टूडेंट्स भी शामिल थे, उस वक्त उनका क्या कहना है कि वो क्यों आए हुए थे, फिर उसमें खवातीन भी थी घर की, मर्द आजाद भी बड़े बहुत सारे परेशान थे कि ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, उस पर वो क्या जवाब देंगे, थोड़ा उनसे भी बात करूँ जी। शबीर साहब आपको मैंने तो मौका भी दे दिया ब्रेक पे जाने से पहले, से छोड़ भी गई थी सवाल ताकि आप तैयार भी कर लें अपना जवाब, अब कुछ रह गया है तो देखें, मतलब ये है कि जो आपने कहा कि मदरसे के, आपने कहा, मैंने नहीं कहा, मदरसे के तुलबा ही बच्चे खिलाते, तो वो छोटे छोटे बच्चे, आपने उस जमाने में देखें ताजुकाती का अलग मसला था, हमारा अलग माँ थे तो ना वहाँ पे भी, लेकिन ठीक है उनकी अलग लाइन थी, हमारे साथ नजरिया अलग था, उनकी सोच अलग थी, वो एक दोनों एक उनकी सोच अलग है, उनकी सियासी जमात अलग है, हमारी सियासी जमात अलग है, तो वो अलग अलग चीज़ थी, अब उनके और हम पर नहीं डाला जाए, उनके अपने लोग थे, हमारे अपने लोग थे, अल्लाह का शुक्र है पीटीआई ने 126 देश का जो किया था धरना वो अपने लोगों की बुनियाद पर किया था, अपने कारकुनों की बुनियाद पर किया था, और पीटीआई आज जो कुछ भी है आज तो उसमें आप किसको ये जो आप उसमें ज्यादातर चंक कर सकते हैं, तो यूथ का ना, तो यूथ तो स्टूडेंट ही होती है, दो सियासी जमातें जो मौजूद हैं वो मोरूसी सियासत कर रही हैं, ठीक है, पीटीआई कोई मोरूसी सियासत, खान साहब ने अपने बलबूते पर, अपनी ताकत पर, अपने नजरियात पर अब जमात खड़ी की है, और ये वडेरों को, इन लोगों को बुरा लगता है, शायद नई सियासी जमात आ गई, तो एक नई सियासी जमात आ गई है, ठीक है, एक नई
मतलब है ना, आप इस पार्टी तो पहले खत्म ही हो गए ना, इस पार्टी की बात ही नहीं पार्टी से निकले हुए खत्म ही हो गई यार। फिर पार्टी वो शाशी गेवान से लेके इस पार्टी वो जो इतने पार्टी थी जनाब, वो पीपल्स पार्टी की बात ना करें कि आपकी दूसरी पार्टी है। इमरान खान साहब ने कहा था 27 सितंबर 2007 में खत्म हो गई। अब जो पार्टी इमरान खान साहब ने कहा था मैं कोई लोटा नहीं लूंगा, सारे लोटे ले लिए, खत्म हो गई। इमरान खान ने कहा था मैं किसी के पास भीख मांगने नहीं जाऊंगा, सबके पास चले गए। इमरान खान ने कहा था कि मैं अपना एक रुपया अगर पेट्रोल पे बढ़ता है या एक रुपया डॉलर जड़ता है तो समझो हुक्मरान चोर है, तो समझो हुक्मरान चोर है। और मुझे बताइए खत्म किए अगर लूट लूट का एक मुल्क का बेड़ा कर ट्रेन का एक हादसा होता है तो फौरी तौर पे हमारा मिनिस्टर होगा तो रिजाइन देगा। 50 हादसे हो गए, किसी ने रिजाइन नहीं दिया, किसी ने खुदकुशी नहीं की, कोई गोली नहीं चली। तो ये वजह मुझे बताएं कि आपके पास रस्सा नहीं है या आपके पास पिस्टल नहीं है खुदकुशी करने के लिए। आपने जो लोगों के साथ वादे किए, जो इतने बड़े दावे किए, उसमें एक दो तो सच्चा कर दो यार, कुछ तो सच्चा कर दो। आप उन्हें प्रोवाइड करने जाने जा रहे हैं? नहीं, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप आपके पास सवाय दूसरी पार्टियों पे तंकीद करने के लिए आपके पास कुछ भी दिखाने के लिए एक साल गुजर गई को कुछ तो परफॉर्मेंस दिखा। एक मौलाना को खड़ा किया शायद को बचा ले, लेकिन इंशाल्लाह मौलाना भी जाएगा, ये सब जाएंगे। चोर नहीं बचेगा, चोर इंशाल्लाह सब जाएंगे। आप तो टेंशन ना ले, वही बीमारी ना लाए जो अब तो देखे ना इनके जरदारी साहब ने वही बीमारी लेकर आ रहे जो नवाज शरीफ को थी। अच्छा ना, वो भी कारकर्दगी देख रहे की जनाब मुझे भी आपको मेडिकल रिपोर्ट्स मिल गई हमसे? नहीं, वही अब शुरू हो गए, अब देख लीजिएगा। अच्छा, वो भी जो है बीमार बनने के चक्कर में बने हुए। अच्छा यासीन अज़ा साहब, आपकी जानिब आऊंगी, मुझे ये बता दें कि अभी जैसे कि ये कह रहे हैं कि जी इन्होंने जो है वो कर्ज लेने की बात की, ये सारी चीज़ें की, और ख़ासतौर पर रेलवे की जहाँ पे इन्होंने बात की। अभी बड़ा अफसोसनाक वाक़ है, 2-3 दिन कबल जो हुआ है, 69 अफराद उसमें जो है जान की बाजी हार गए हैं। वैसे एक बात है कि मेजर अपोजिशन की पार्टी तो आपकी होनी चाहिए थी इस वक्त, तो ठीक है जैसे कि आप हुकूमत में थे तो PTI की पार्टी अपोजिशन में थी, लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं अगैन कि PMLN तो बहुत ही खामोश है, वो उस तरह से नज़र नहीं आती जैसे PTI। अगर इतना बड़ा हादसा हो जाता तो PTI तो आप लोगों को जीने भी नहीं देती मेरे ख्याल से, और जिस तरह से, लेकिन आप लोग बैठे हुए हैं बिल्कुल खामोश बैठे हुए, ना किसी ने कोई बात की ना कुछ किया। तो वैसे ही जो ये जो बातें चल रही हैं कि जी डील हो रही है, ढील मिल रही है, क्योंकि आज तो वैसे ही मरियम नवाज साहिबा की भी जमानत हो गई है, तो क्या वाकई ऐसा कुछ है जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब जो है वो मुफाहमत की पॉलिसी अब वो इख्तियार कर रहे हैं? देखें, जहाँ तक डील या डील की बात है, PTI की हुकूमत इस पोजीशन में है ही नहीं कि किसी के साथ डील कर सके। अच्छा, वो कैसे? उसकी वजह ये है कि जो लोग उनको लेके आए हैं जी, उनकी मर्जी के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते। जो मैं सुन लेना, आप सुनने की आदत डालें, बुरी बात है, चलेंगे तो हर दौर में ही होता रहा है, हर दौर में। आज भी इस मौजूदा हुकूमत के अंदर आप देख लें कि जो कैबिनेट है उसमें अनइलेक्टेड लोगों की भरमार है, अनइलेक्टेड लोगों की, होना ये चाहिए कि कैबिनेट के अंदर जो लोग इलेक्ट होकर आ जाते हैं उन्हीं को नुमाइंदगी का हक दिया जाए। फिर लोग ये एक ही रट लगाए हैं चोर और डाकू की। आज भी PTI की हुकूमत में जनरल परवेज मुशर्रफ की टीम के तकरीबन 80% लोग बैठे हुए हैं, 80% PTI की हुकूमत को मैं चैलेंज करता हूँ कि एक दफ़ा इमरान खान साहब ये कह दें कि जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में भी बहुत कोई प्रॉपर काम नहीं हुआ, वो इस पोजिशन में है नहीं। जिस दिन जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट दिया ना, उस दिन फिर इमरान खान एज ए वज़ीर आज़म आपको नज़र नहीं आएंगे, नंबर वन। अब जो सूरत हाल है, आपको मुल्की सूरत हाल को मद्दनज़र रखते हुए अगर आप देखेंगे तो आज पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम जो हैं, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी ऐसे हुक्मरान को जो इकतदार में आया हो उसका डाउनफॉल इतना जल्दी देखे मैंने नहीं देखा जितना इमरान खान का हुआ। इवन कोई डिक्टेटर भी अगर ताकत के बलबोते पे आया है तो उसकी भी इतना जल्दी डाउनफॉल नहीं हुआ जितना आज के वज़ीर आज़म का है। आप सोशल मीडिया पे चले जाएं और यकीन करें कि जब आप प्राइम मिनिस्टर के मतलब आप बातें सुनेंगे तो बाज़ वक़्त जी चाहता है कि सारी चीज़ तोड़ के फेंक दे आदमी। तो आप पहले ये तो तय कर लें कि आपके साथ जो आज का जो वज़ीर दाखला वो एजाज शाह जो हैं वो किसका आदमी है? जनरल परवेज मुशर्रफ का आदमी है ना। फरदोस आशिक इनकी जमात में जो पहले जिसमें थे इनकी जमात की है वो इनके साथ हैं। परवेज खट्टर के खिलाफ नेब का रेफरेंस पेंडिंग है, चीफ मिनिस्टर KP के खिलाफ नेब का रेफरेंस पेंडिंग है,
अच्छा, इसके अलावा जो एहतसाब कमीशन बना था KPK के अंदर, वहाँ के रिटायर ब्रिगेडियर ने खुद ये इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो एहतसाब कमीशन में हमने कौमी खजाने से 80 करोड़ रुपया खर्च किया, वापसी 15 लाख रुपया हमने वसूल किया। ये फैक्चुअल पोजीशन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि है क्या क्या। परवेज खट्टर के खिलाफ जो ये सवाद की जो ज़मीन का चक्कर था, आपने उसको कैसे क्लियर कर दिया? पेशावर का जो प्रोजेक्ट था जो 22 अरब का था, 70 अरब रुपया हो गया। आप तो एक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सके 7 साल के अंदर। KPK के अंदर गवर्नमेंट आपकी थी, क्या आपने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया? नहीं किया। तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसी नालायक हुकूमत मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी जिसने 14-15 महीने के अंदर पूरे पाकिस्तान को माशी तौर पर तबाह कर दिया, माशी तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया। और फिर वो कानून की बात करते हैं, एक मिनट, आप ये देखें पार्लियामेंट की मौजूदगी में आप इस पोजीशन में नहीं है कि कोई कानून साजी कर सकें, आप जिंदा हैं ऑर्डिनेंस पे। एक दिन ऑर्डिनेंस जारी होता है, जजेस का एड्रेस का ऑर्डिनेंस जारी हुआ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एतराज़ किया कि ये आपका काम नहीं है, ये हमारा काम है, आपने ऑर्डिनेंस को उठा के कैंसिल कर दिया। पहले ये तो तय करो कि पार्लियामेंट की हैसियत क्या है आपकी नज़रों में, और ये वही पार्लियामेंट है जिस पे आप कहते थे पार्लियामेंट पे लानत हो, उसी पार्लियामेंट की हैसियत से आज आप वज़ीर आज़म भी हैं, और वो जो पार्लियामेंट को गालियां देता था वो रेलवे का वजीर है जिसका मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करता। ठीक है, वन लास्ट वर्ड सिर्फ ये बता दें, मरियम नवाज साहिबा की आज जमानत हो गई, आइंदा आने वाले धरने या जलसों में उनका कोई किरदार होगा? देखें, ये तो आने वाला वक्त डिसाइड करेगा, चूंकि उनके फादर की तबीयत बहुत सीरियस है, अल्लाह ताला उनको शफा दे। अभी आज उनकी जमानत का आर्डर हुआ, कल बाहर रहेंगी, लेकिन वो भी पार्टी डिसिप्लिन की पाबंद हैं, वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और इलेक्शन कमीशन ने उनको डिक्लेयर कर दिया कि वो वाइस प्रेसिडेंट रह सकती हैं। अब इसके लिए जो एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करेगी तब जाके पता चलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया वीर जी कोहली साहब आपका, मोहम्मद शबीर साहब आपका, यासीन आजाद साहब आपका, क्योंकि पता है जी अपनी मेज़बान रज़ा सैफी को दे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।